आज हम आपका परिचय उस महिला से करवाएंगे जिसे आप शक्ति का दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अक्सर जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस उम्र में महिला ने पर्वतारोहण शुरू किया, यानी माउंटेनियरिंग। इससे पहले वो इस फील्ड से दूर दूर तक नावाकिफ थी। ग्लैमर फील्ड में थे, मिस इंडिया फाइनलिस्ट में रही हैं, ग्रूमिंग क्लासेस लेती हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, और उसके बाद 47 की उम्र में उन्होंने पर्वतारोहण शुरू किया और आज वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गई है। और मात्र एक दिन की दूरी है जब वो विश्व रिकॉर्ड बनाएंगी कि एक 52 इयर्स की महिला ने इस उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। सिर्फ एक दिन बेस कैंप पहुंच चुकी हैं। आज हम उन्हीं से मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। इस समय ये पॉसिबल नहीं है कि उनको मैं अपने साथ स्टूडियो में रखूं। इस समय वो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठी हैं और हमारे साथ जुड़ेंगी व्हाट्सएप कॉलिंग से। मैं उन्हीं से भी संपर्क साधता और उनसे हम प्रश्न करना चाहेंगे कि इस उम्र में इतनी शक्ति कहां से उन्होंने जनरेट की। तो उन्हीं से बात करते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। इस समय वहां का मौसम कैसा है? हाँ, अगर आप हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देखें इस समय जिस ऊंचाई पर आप बैठी हैं वहाँ का आगे पीछे का किस तरह का वातावरण है। जी जी, जी जी जी, अभी रुक गई है, बर्फ रुक गई है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पीछे बिल्कुल बहुत टेंट्स दिखाई दे रहे हैं पीछे आपके, और अच्छे थोड़ी सी थोड़ा भी लग रही थी। जी हाँ जी, और ये सारे हमारे टेंट और ये हमारा कैंप है। संगीता एक मिसाल बन रही हैं उन ख्वातीन के लिए जो 45 साल बाद रिटायरमेंट की जिंदगी जीना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ संगीता ने माउंटेनियरिंग ही 47 साल की उम्र में शुरू की थी। संगीता माउंट एवरेस्ट को छोड़कर बाकी 6 सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हैं। संगीता मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट में रह चुकी हैं और मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, और अब सभी चोटियों को फतह करने के बाद वो माउंट एवरेस्ट के लिए निकली हैं।